चंद रोज पहले मैंने एक फिल्म देखी जिसकी स्टारकास्ट में खान, रोशन, कुमार या कपूर नहीं थे, लेकिन एक ऐसी कहानी थी जिसने मुझे पलक झपकाने का मौका नहीं दिया। इस फिल्म का नाम है लाहौर और इसे रूप दिया है एक नए डायरेक्टर ने जिनका नाम है संजय पूरन सिंह चौहान। लाहौर कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है जहां इसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है लाहौर के डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान और एक्टर सुशांत सिंह जिन्होंने इस फिल्म में अहम किरदार निभाया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू फॉर हैविंग अस सर। यस, यू नो सबसे पहला सवाल, जब हम फिल्म का नाम सुनते हैं लाहौर तो कान खड़े हो जाते हैं और खासकर जब एक इस टाइटल ये टाइटल एक हिंदुस्तानी फिल्म का हो तो मेरे ख्याल यही एक वजह थी टाइटल रखने की क्योंकि सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। हालांकि हमें बड़ी उम्मीदें थी कि लाहौर नाम है तो फिल्म शायद बहुत गर्म हो जाएगी, कुछ कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन छोटे गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। किसी ने पोस्टर नहीं फाड़े अभी तक। राइट। वेल, आप इस फिल्म के डायरेक्टर, आप क्रिएटर हैं इस फिल्म के, लाहौर ये टाइटल कैसे? देखिए, जब मैंने इस कहानी को लिखा था तो काफी सारे सजेशंस आए कि इसका टाइटल कुछ किकबॉक्सिंग के ऊपर है, स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है तो कुछ और होना चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि इस फिल्म का टाइटल लाहौर ही होना चाहिए। एक खास वजह यह थी कि फिल्म सेकंड हाफ में पाकिस्तान में सेट है और दूसरी वजह यह है कि लाहौर में पहुंचने के बाद कहानी अपनी पूर्णति पर पहुंचती है, कल्मिनेशन पर पहुंचती है। और फिल्म देखने के बाद में सभी इस बात को ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे कि क्यों इस फिल्म का टाइटल लाहौर है। बट यू नो, चूंकि टाइटल लाहौर है और अब तक कोई पोस्टर जलाए नहीं गए हैं, बहुत अब तक कोई बहुत आपको लगता है कि रिलीज के दौरान जब आपके पूरी आपकी पब्लिसिटी जोरों शोरों में होगी तो शायद कोई बवाल खड़ा हो? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा क्योंकि फिल्म पहली बात तो उन इश्यूज को टच ही नहीं कर रही जिन इश्यूज को लेकर के मनमुटाव है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उन चीजों को बिल्कुल नहीं छू रही है फिल्म, कुछ अलग ही बात कर रही है। फिल्म बात कर रही है खेल की और ये दोनों देश जब खेल खेलते हैं तो वो जंग में क्यों तब्दील हो जाता है? खेल को खेल रहने दें, जंग ना बनाएं, मुद्दा फिल्म का ये है। बट इन्हें जब अक्सर देखा गया है जब एक नया डायरेक्टर अपना पहला कदम बढ़ाता है फिल्म इंडस्ट्री में तो वो ही वॉन्ट्स टू प्ले सेफ, वो एक लव स्टोरी बना देते हैं, एक कॉमेडी फिल्म, आजकल कॉमेडी का दौर चल रहा है तो शायद एक कॉमेडी बना लेते हैं, इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उस कहानी पर काम करूं जो मुझे इंस्पायर करे। लाहौर जिस दौरान बनी है, हर रोज मैं एक नए सपने के लिए जागता था। जब मैं रात को सबको शूटिंग खत्म करने के बाद में जब मैं सोता था तो मुझे एक एहसास होता था, एक सेटिस्फेक्शन रहता था कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया है और अगले दिन के लिए एक लगन होती थी काम करने के लिए। अगर मुझे कोई कहानी इतना इंस्पायर नहीं करेगी तो शायद मैं फिल्म नहीं करना चाहूंगा, यही सबसे बड़ी वजह रही है। और लव स्टोरी की अगर आप बात करते हैं तो इसमें भी प्यार है दो भाइयों का, मुल्क के प्रति, उसके सम्मान के प्रति, तो लव स्टोरी है लेकिन कुछ और मायने से। सुशांत, आपने कई बेहतरीन डायरेक्टर्स, तजुर्बेकार डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जब इन्होंने आपको अप्रोच किया ऐसी क्या बात थी, आपको कहानी इतनी अच्छी लगी या इनका इनमें जो फायर था वो नजर आया, या आपको लगा कि चूंकि आप एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं कि मुझे ये फिल्म करनी है? एक्चुअली ये सारे कारण थे, सारी वजह थी। पहली बात, मुझे कहानी अच्छी लगी। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि किक बॉक्सिंग क्यों, किक बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट को कोई आदमी उठा रहा है, फिर मुझे पता चला कि ये खुद किक बॉक्सर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, ये मतलब बहुत ऑथेंटिकली इस चीज को दिखा सकता है। और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट पर हमारे यहाँ ऑथेंटिकली अब तक कोई फिल्म नहीं बनी हिंदी में, तो ये मौका लगा कि पहली बार ऐसी फिल्म बनेगी हिंदी में कॉन्टैक्ट स्पोर्ट पर जो बहुत ऑथेंटिक होगी, तो जुड़ना जरूर चाहिए। तीसरा, सॉफ्ट कॉर्नर में खुद बॉक्सर रहा हूं तो वापस रिंग में उतरने का मौका, तो बॉक्सिंग आती थी, किक नहीं आती थी, तो किक इन्होंने मार मार के मुझे किक मार मार के किक मारना भी सिखा दिया। तो कुछ नया सीखने को मिल रहा था। ओवरऑल इट साउंडेड अ वेरी गुड प्रपोजिशन कि आप इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता है। यू नो, अभी भी इन्होंने कहा कि आपने ट्रेनिंग ली किक बॉक्सिंग में, या नाउ दिस इज वेरी रेयर क्योंकि एक्टर, आप बहुत बिजी एक्टर हैं, आप मल्टीपल फिल्में करते हैं, तो वक्त निकालना इसके लिए बहुत कठिन रहा होगा, खासकर ये फिजिकल, ये ऐसी बात नहीं है कि आप बैठकर आपको डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको एक्चुअली रिंग में उतरना पड़ता है और टू गो ऑन एंड हेड ऑन मीट योर ओपोनेंट। आई न्यू, एक तो रिंग में उतरने का तजुर्बा था मुझे कि कितना स्टेमिना चाहिए होता है, भले ही सिर्फ 2-2.5 मिनट का राउंड होता है बॉक्सिंग का, एक किकबॉक्सिंग में भी 3 मिनट का ही ऐसा कुछ राउंड होता है, लेकिन 3 मिनट के 3 राउंड में आप आखिरी राउंड तक
यही मना रहे होते हैं दोनों ओपोनेंट जो है कि यार ये खत्म हो जाए, घंटी बजे और खत्म हो जाए, इतना स्टेमिना आपका हिल चुका होता है। तो मुझे मालूम था कि रिंग में उतरना है तो वो स्टेमिना चाहिए होगा। तो 6 महीने पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया, सुबह कुछ 5-5:30 बजे उठता था, उठते ही सीधे 1 बोल ऑफ कॉर्नफ्लेक्स और मूसली, बिकॉज कार्ब चाहिए, एनर्जी चाहिए, और सीधे 6:30 ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता था। 6:30 to 8:30 ट्रेनिंग, फिर शूटिंग पूरा दिन, शूटिंग के बाद शाम को जिम, बिकॉज मस्कुलर भी लगना था। तो होश नहीं रहता था, रात को 10:30 तक मेरी आंखें ऐसे झपकने लगती थी, घर पे मेहमान भी हो तो मैं जैसे मेरा दोस्त मेरा हो गया, मैं चला। और 6 महीने तक चलना भी जो है ना, इट वॉज अ पेन। पंजे जो है, क्योंकि पूरा काम आप पंजों पर हैं पूरा दिन और किक्स कर रहे हैं, तो देयर इज अ पेन। चलना भी दिन में मेरी बीवी देख के हंसती थी मुझे, मैं बिस्तर से जब भी उठता था तो ऐसे ही चल रहा होता था लाइक अ ज़ॉम्बी, इतना हंसते थे। बट इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज रियली वंडरफुल, राइट। और वो जो एक्चुअल सीक्वेंस है जो आपने किया है, जो आपकी फाइट्स है इस पिक्चर में, शुरुआत में भी, इंटरवल पॉइंट पे भी है, दैट मस्ट बी वेरी डिमांडिंग। या इट वाज, एक दिन तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था, क्योंकि तब बहुत शूटिंग चल रही थी, नाइट्स भी कर रहा था मैं, डेज में इनकी शूटिंग चल रही थी, और सेट कहीं हमें बड़ी जगह बहुत नहीं मिल पाई थी, तो छोटा था स्पेस और उसमें रिंग लगाया था, और रिंग के आसपास जो लाइट्स थी, बहुत ज्यादा लाइट्स की जरूरत होती है, तो अंदर का टेम्परेचर कुछ लगा 50 डिग्री रहा होगा, और उसमें पूरा दिन मैं और कैली फाइट कर रहे थे, और मैं नाइट शूटिंग करके आया था, वापस नाइट शूटिंग जाना था। तो बाय द एंड कुछ 6 बजे पैकअप करने वाले थे, 5:30 बजे एक शॉट था उसके रीटेक हुए जा रहे थे बिकॉज एनर्जी नहीं दे पा रहा था। फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा संजय यार थोड़ा वक्त चाहिए, आई थिंक आई एम एग्जॉस्टेड, वक्त चाहिए। तो मैं गया वैन में, इनका बुलावा आए कि सर रेडी, मैंने उठा ही नहीं जा रहा मुझसे। तो डॉक्टर आया, उसने नब्ज चेक की, मैं घबरा गया, पहली कभी नहीं हुआ जिंदगी में सर मेरे साथ। तो उसने कुछ नहीं हुआ सर, शुगर लेवल एकदम डाउन हो गया, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, थोड़ा जान में जाने। फिर लगाते दूसरी शूटिंग के सेट पर पहुंचा मैं। यू नो, ये जो एक्शन सीक्वेंसेस की बात हम कर रहे हैं, वेल हम अक्सर देखते हैं पर्दे पे तो हम उतना रिएक्ट नहीं करते, बट चूंकि मैं बहुत गौर से देख रहा था ये फिल्म, आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा आपके लिए। देखिए, हम लोग एक चीज को लेकर बहुत क्लियर थे कि जो एक्शन, क्योंकि हमारी फिल्म एक्शन बेस्ड है, और जो एक्शन सीक्वेंस हम इसके पिक्चराइज करने वाले हैं वो हम ऐसे चाहते हैं जो पहले कहीं भी शूट ना किए गए हों। और ये नहीं थी वजह कि हमें बॉलीवुड से ऊपर जाना है या किसी पर्टिकुलर हॉलीवुड को पीछे छोड़ना है, एक स्पेसिफिक पिक्चर थी कि हम क्या करना चाहते हैं, और हम सिर्फ उसी को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। डिमांडिंग इसलिए रहा क्योंकि पहले इस तरह की चीजें नहीं की गई, और हमारे एक्टर्स भी इस तरह के एक्शन के आदी नहीं है, बहुत कॉन्टैक्ट होता था, चोट लगती थी। इनफैक्ट सुशांत तो यहाँ बैठे हुए हैं, किली इंजर्ड हुए, मुकेश इंजर्ड हुए, अनाहत इंजर्ड हुए, ये खुद भी बहुत चोटें लगी इनको, तो इस तरह की आदत नहीं थी। तो हमें इसके लिए क्रू भी बहुत ऐसा चाहिए था जो एक्शन को समझ सके, तो टॉनी को हमने इसके लिए रखा। टॉनी बेस्ट माने जाते हैं रिंग फाइट के लिए, और रॉब मिलर स्पोर्ट्स कंसल्टेंट थे, उनको स्पेशली बुलाया गया इस चीज के लिए कि कहीं हम डिवेट नहीं हो जाए स्पोर्ट्स से, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक साथ ले रखी थी। हालांकि कोरियोग्राफी का ग्राफ पूरा मेरा था, तो मैं किस तरह की चीज चाहता था, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जिस तरह के लोग चाहिए थे, इक्विपमेंट चाहिए थे, तो वो सारी चीजें, बहुत सारी सहूलियतें यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मुश्किल रहा, लेकिन एंड में हमने वो अचीव कर लिया। ओके, यू नो, फिल्म के कुछ हिस्से आपने पाकिस्तान में फिल्माए हैं, ये बहुत मुश्किल रहा। इनफैक्ट हमने अप्लाई किया था कुछ 2 साल पहले परमिशन के लिए पाकिस्तान में शूट करने के लिए, उन्होंने हमारे को परमिशन नहीं दी, लेकिन मना भी नहीं किया। हमेशा मेरे प्रोड्यूसर्स जाते थे, कांटेक्ट करते थे, वो बोलते थे आपकी फाइल अभी इस स्टेज के ऊपर है, अभी इस स्टेज के ऊपर है, परमिशन नहीं मिलती थी। क्योंकि एक वजह यह है कि हम पीछे पाकिस्तान के खिलाफ इतनी फिल्म बना चुके हैं कि उनकी ऑडियंस और उनके लोगों का ऐसा लगता है कि अभी भी हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जितना बॉलीवुड को हम लोग पसंद करते हैं उतना पाकिस्तान भी करता है। इनफैक्ट हम लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते लाइफस्टाइल से एक्टर्स के और उनकी गॉसिप से जितने वो अवेयर होते हैं। इस फिल्म के दौरान मैं काफ़ी पाकिस्तानियों से मिला हूँ रिसर्च वर्क के लिए, तो ये सब चीज़ें मुझे उनसे पता चलती रही हैं। तो उन्होंने परमिशन नहीं दी, लेकिन फिल्म क्योंकि टाइटल लाहौर है और पाकिस्तान में शूट नहीं करेंगे तो बात बनती नहीं। बहुत ज़रूरी था, हमने पाकिस्तान में इसमें मीनार पाकिस्तान, बादशाही मॉस्क, अनारकली बाजार, गद्दाफी स्टेडियम, लिबर्टी चौक, जौहर टाउन जैसी जगह पर शूट किया है, और जितने रिक्वायर्ड था वो हमने शूट किया। सेकंड यूनिट हमें इसके लिए बनानी पड़ी और ज़्यादातर फॉरनर्स उसके अंदर थे। इनफैक्ट मुझे याद है कि मैं फ़ोन से बात कर रहा था अपने सेकंड यूनिट DOP रॉल्फ डिकन से, और वो शूट के लिए उनकी वैन निकल रही थी, और तभी पता चला कि होटल के पास में ब्लास्ट हो गया,
तो जितने भी फिरंगी यूनिट के अंदर थे सबने सोचा कि अब तो मुश्किल है यहाँ पर शूटिंग नहीं होगी, लेकिन उस रात में उनको मोटिवेट करके शूटिंग करवाना और ये सब बहुत चैलेंजिंग रहा, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फाइनली हमारी फिल्म के अंदर लाहौर है। यू नो, जब कोई फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का दौरा करती है तो हम उसे कहते हैं कि भाई ये तो फेस्टिवल फिल्म है। ऐसा सोचिएगा भी मत, बिल्कुल नहीं। ये आर्ट हाउस सिनेमा है। ये मैं सबसे, मेरे लिए सबसे बड़े सरप्राइज की बात ये थी जब मुझे पता चला कि भाई कहां पर फिल्म गई है हमारी फेस्टिवल में और अवार्ड लेके आई है। अवार्ड तो बाद में, मैं पहले फेस्टिवल में गई कैसे, हमने फेस्टिवल सोच के तो ये फिल्म बनाई नहीं थी। राइट। क्योंकि हम सबके दिमाग में इट इज एन एब्सोल्युटली हिंदी फिल्म, मेनस्ट्रीम फिल्म जिस तरह की होती है। एग्जैक्टली। इसमें भाई भाई का प्यार, रोमांस भी है, देश के प्रति लगाव और स्पोर्ट भी है, सब कुछ है। यस। मसाले हैं अपने, लेकिन सही सही क्वांटिटीज में सही। और एक नए नजरिए से कहने की कोशिश की, दैट्स इट। बट आई थिंक इनके टैलेंट को फिर दाद देनी होगी, और जो पूरा क्रू था साथ में, टीम थी, उनके टैलेंट को दाद देनी होगी कि सबने मिलजुल कर एक आम, जो हम कहानी कहने की कोशिश कर रहे थे आम हिंदी फिल्म फॉर्मेट में, आम कहानी तो नहीं है, आम हिंदी फिल्म फॉर्मेट में कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबका मिला जुला कुछ ऐसा बन पड़ा कि देखने में खूबसूरत लगती है। आपने फिल्म देखी है। हाँ जी। और सिर्फ उस बलबूते पर वो फेस्टिवल्स में गई है और जीत कर आई है। अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पर मतलब ऐसा होगा कि माचिस जली और माचिस का शॉट चल रहा है 30 सेकंड तक, वो वाली नहीं है। बहुत सही कहा आपने। फेस्टिवल्स में गई कैसे, मतलब हाउ डिड द वर्ड स्प्रेड? देखिए, मैं पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, मैं फिल्म एडिट कर रहा था, मुझे मेल आया कि आपकी फिल्म के बारे में हमने बहुत सुना है और आप इसे फेस्टिवल के लिए कंसीडर करेंगे, तो मुझे लगा कि हमने फेस्टिवल के लिए तो फिल्म बनाई नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। फिर हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडियंस के रिएक्शन पता चल जाएंगे, फिल्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिल्म को हमने भेजा, ह्यूस्टन में इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ और फिल्म को जिस तरह से पसंद किया गया वहां, और शायद मुझे लगता है कि क्योंकि फिल्म को इन्वाइट करने की वजह यह थी कि टाइटल लाहौर था, इंडिया पाकिस्तान की कहानी है और ये वेस्टर्न वर्ल्ड को हमेशा से इंटरेस्ट करती हैं चीजें। फाइनल वर्ड्स अबाउट द फिल्म, क्या आप फिल्म से खुश हैं, अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं, और दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अजीब लगेगा आपको सुनते हुए, लेकिन मैंने खुद अब तक फिल्म नहीं देखी है। एक मेरा जो मानना है कि क्योंकि जो प्रीव्यू होते हैं या ट्रायल होते हैं उसमें जनरली हमारी फिल्म कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं या फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो फिल्म कैसी भी हो लास्ट में रिएक्शन एक ही होता है, ओए क्या बात है, क्या बात है, मतलब ये कि ठेंगा दिखा रहे हैं या क्या बात है, समझ नहीं आता है। तो तब से मैंने ये नियम बना लिया कि मैं रिलीज जब होगी, जो आम दर्शक है, टिकट खरीद के फिल्म देखने जाता है, उसके साथ देखूंगा। तो अब मैं फ्राइडे का इंतजार कर रहा हूँ कि ये आए और मैं फिल्म देखूं। जहां तक अपनी परफॉर्मेंस का सवाल है, तो डबिंग पोर्शंस में डबिंग करते हुए मैंने देखी थी एंड आई एम मोर ऑर लेस सेटिस्फाइड। जो एक्सपेक्टेशंस थी फिल्म से कि किकबॉक्सिंग को किस तरह ये दिखाएंगे ऑथेंटिकली, वो बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड। तो स्पोर्ट्स पर एक इमोशन, सस्पेंस और रोमांस से भरी हुई ऑथेंटिक फिल्म अगर आपको देखनी है तो लाहौर देख लो यार, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो फिल्म बनाना चाहता था मैंने वही फिल्म बनाई है और मैं से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, और अगर मैं कोशिश भी करूँ तो शायद मैं कितनी भी बेहतर फिल्म बना लूँ, लेकिन लाहौर मेरी सबसे बेहतरीन फिल्म रहेगी। इसे और बेहतर नहीं किया जा सकता और मैं से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। इनफैक्ट ऑडियंस, मैंने इसको ह्यूस्टन में, इटली में, इंग्लैंड में बहुत सारे ऑडियंस के बीच में देखा, इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारी स्क्रीनिंग्स हुई हैं इसकी, और फोकस ऑडियंस के साथ देखा है, क्रिटिक्स के साथ देखा है, सभी को फिल्म पसंद आई है। अभी तक मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि ठीक है, सबने कहा बहुत अच्छी है।